तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 सुगम हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। और इससे पहले हमने लघु उत्तरीय प्रश्न देखे थे, तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ बताना था। तो यहाँ पर जो है ना, एक्चुअली में यहाँ पर छाता होगा, ठीक है। तो छाता में जो भारतीय पुरुष और जो महिला होते थे, उस टाइप का चित्र बनाया जाता था। तो वैसे इसका जो हमने ब्लॉग पोस्ट लिखा उसमें तो ये छाता ही है, इसलिए हमने बोला था कि हमारा जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले ही बताया था, उसको जरूर से फॉलो करें। वहाँ पे आपको रिटिन में लिखा हुआ रहता है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और अपने नोटपैड में सेव कर सकते हैं, इसको पीडीएफ बनाकर अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ बताना है कि यूरोपीय चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी में क्या दर्शाया था। तो जो यूरोप के चित्रकार थे, वो वैसे बोले तो अपने भारत को ऐसा नीचा दिखाने की हर कोशिश वो करते थे चित्र में, वो चित्र से साफ जाहिर भी होता था। तो बोल रहा है कि 18वीं तथा 19वीं सदी में अनेक यूरोपीय चित्रकार भारत आए थे। यहाँ के लोग प्राकृतिक इमारतें, स्मारक तथा ऐतिहासिक घटनाओं से बेप्रभावित हुए थे। उन्होंने इन सबको अपनी चित्रकारी का विषय बनाया था। वे अपनी कृतियों के द्वारा भारत के वैभव, इमारत, खंडर, सभ्यता, संस्कृति को दिखाया था। साथ ही चित्रों द्वारा विदेशी चित्रकारों ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन के द्वारा ही भारतीय सभ्यता विकसित हो सकती है। साथ ही चित्रों द्वारा उन्होंने ब्रिटिश श्रेष्ठता को दर्शाने का प्रयास किया, ठीक है। तो चित्र ऐसा बनाते थे जिनसे ऐसा जाहिर होता था। उदाहरण की अगर बात करें तो औपनिवेशिक काल के टॉमस डेनियल और उसका भतीजा विलियम डेनियल चित्रों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति और गौरव को दर्शाया था चित्र के द्वारा ही। और यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यह है, जोफिन द्वारा चित्र में अंग्रेजों का शाही अंदाज एवं अच्छे कपड़ों में तथा भव्य बंगलों के सामने पार्टी देते हुए दिखाया गया है, और दूसरी तरफ भारतीयों को अंग्रेजों के नौकर और सेवक के रूप में दिखाया गया है। तो इस चित्र से स्पष्ट होता है कि अंग्रेज श्रेष्ठ हैं और भारतीय कमजोर हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कालीघाट चित्रकला के बारे में लिखना है। तो 19वीं शताब्दी के कलकत्ता में कालीघाट चित्रकला एक अनूठी कला शैली के रूप में उभरी। इन चित्रों द्वारा पटुआ समुदाय मंदिरों में धार्मिक मतलब चित्रों द्वारा जो पटुआ समुदाय थे और इन ऐसे इसको हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन चित्रों द्वारा पटुआ समुदाय जो था मंदिरों में धार्मिक और पौराणिक कथाओं का वर्णन किया था चित्र के द्वारा। वे मिट्टी के बने पात्रों को दिखाकर कहानियां सुनाते थे, ठीक है। मिट्टी का जो ना बना पात्र होते थे उसमें चित्र होता था, उससे वो स्टोरी क्रिएट करते थे और उसे सुनाते थे। बाद में वे कपड़े के टुकड़े पर चित्र बनाकर कथाएँ सुनाने लगे। पटुआ समुदाय के समान उत्तर और पूर्वी भारत के कुम्हार बर्तन के साथ मिट्टी के पात्र पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे, परंतु ये चित्र रंगहीन और सपाट होते थे, ठीक है। इस कारण चित्रित पात्र सजीव नहीं लगते थे, चूंकि वो रंगहीन है और सपाट है। आरंभ में कालीघाट के चित्रकार लकड़ी के छोटे छोटे तख्तों पर चित्रों को लेकर बनाते थे। खुदे हुए लकड़ी के ठप्पे पर स्याही लगाकर कागज पर दबा दिया जाता है, जैसे लकड़ी है उस पर मतलब ऐसा मतलब जो भी चित्र बनाना उसका एक गड्ढा टाइप से बना दिया, ठीक है, डिजाइन, और फिर उस पर स्याही लगाकर कागज़ पर दबा दिया जाता था। बाद में फिर कागज़ पर लगे ठप्पों को फिर रंगा जाता था, ठीक है। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रवादी चित्रकारी का संक्षेप में वर्णन करना है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान भारतीय चित्रकला में बदलाव आया था। आया बदलाव के कारण भारतीय चित्रकला के इस चरणों को राष्ट्रवादी कला शैली कहा गया, जिसे आगे बढ़ाने में राजा रवि वर्मा का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने राजा महाराजा और पौराणिक कथाओं के चित्र बनाए थे। राष्ट्रवादी चित्रकारों में बंगाल के अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम उल्लेखनीय है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली से है और मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के अध्यापक हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर की सहायता से राष्ट्रवादी कलाकारों का संगठन स्थापित किया, जिससे बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकार जुड़ गए। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी भावनाओं से भारतीय चित्रकारी प्रभावित होने लगी। हाथ में भारतीय झंडा
लिए भारत माता देवी के रूप में चित्रित की जाने लगे। तो कई स्वतंत्र सेनानियों के चित्र भी मतलब बनाए गए और वो लोकप्रिय होने लगे। तो ये राष्ट्रवादी चित्रकारी था इस तरीके का। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन बोला, 20वीं सदी में विभिन्न क्षेत्रों के साहित्यकारों ने किस विषय पर लिखा, उदाहरण देकर बताना है 20वीं सदी में। तो ये लोग ऐसे ऐसे विषय पर ही लिखे जिनसे लोगों में राष्ट्रवादी की भावना जागे, ठीक है, लोग आज़ादी के लिए लड़े। ऐसे जैसे बोला 20वीं सदी में विभिन्न क्षेत्रों के साहित्यकारों ने भारत की गुलामी और पराधीनता तथा देश को आज़ाद कराना, संघर्ष करना तथा बलिदान देने जैसे विषयों पर लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी और शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने पौराणिक या राजा रानी की कथाओं के स्थान पर वास्तविक जीवन में हो रही घटनाओं को अपने लेखन का केंद्र बिंदु बनाया। इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास और छोटी छोटी कहानियों की रचना की। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो शरत चंद्र ने उस काल में भारतीय महिलाओं व विधवाओं की मार्मिक स्थिति उपन्यास लिखे थे, ठीक है, मतलब विधवाओं की जो स्थिति है उस पर, मार्मिक स्थिति पर उपन्यास लिखे थे। रमेश चंद्र दत्त ने देश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। अपनी रचना समाज में उन्होंने प्राचीन भारतीय गौरव पर लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में देश की दयनीय स्थिति के बारे में लिखे जो आज़ादी की भावना और राष्ट्रवाद को विकसित किया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसने देखिए यहाँ पे गौरव पर लिखा था, प्राचीन गौरव पे, कि पहले हमारा भारत ऐसा था और अब ऐसा है, ठीक है, तो इससे भी राष्ट्रवादी भावना जागे गई। तो इस टाइप का जो है प्रदर्शन किया करते, मतलब ऐसा साहित्य में लिखा करते थे उस समय 20वीं सदी की बात करें तो। 5 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ इंडो सारा सैनिक शैली का वर्णन करना है। तो इमारतें बनाने में इंडो सारा सैनिक शैली का प्रयोग अधिक किया जाता था। इसमें हिंदू मुस्लिम शैलियों में पाश्चात्य शैली को मिलाकर भारतीय स्थापत्य कला का विकास किया गया। इस शैली में स्तंभ, गुंबज तथा गोल नुकीले मेहराबों का वर्णन किया जाता था। तीनों प्रेसिडेंसियों में इस शैली पर आधारित इमारतें बनाई गई, तीन जो ऐसे ना, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। तो तीनों प्रेसिडेंसियों में इस शैली पर आधारित इमारतें बनाई गई। उदाहरण के लिए बम्बई विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहलाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय तथा फ्लोरा फाउंटेन के निर्माण में इंडो सारासेनिक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 11 और हमने 12 का वैसे अति लघु देखा है, उसको भी हम लोग लघु दीर्घ का मतलब नेक्स्ट डे बाद में उसका भी सोल्यूशन बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो के पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में जरूर से कर दे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है तो वह उसको ज़रूर से फॉलो करें, वहाँ पर विजिट करें, देखें कौन कौन सा सुगम का सोल्यूशन, चाहे भूगोल हो, साइंस हो, वो और हिस्ट्री हो, ये सबको वहाँ पर मिल जाएगा और भी आने वाले समय में वहाँ पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।